देखिए क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दिया है 1500 मीटर। 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म का लंबाई कितनी दिया है 2500 मीटर, कितने समय में पार करेगी उस प्लेटफॉर्म को, कितना समय में पार कर जाएगी, ध्यान से रखिए। अब ये छोड़ने के लिए हम मान लेते हैं क्या बाबू, ये प्लेटफॉर्म है, क्या है ये प्लेटफॉर्म, कितनी लंबाई कितना दिया है 1500 मीटर, ये प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया है 2500 मीटर, कितना दिया है 2500 मीटर, क्या दिया है 2500 मीटर दिया है, सॉरी 2500 मीटर दिया है। अब देखो इस प्लेटफॉर्म उसको मान लेते हैं ए है और ये क्या है बाबू बी, और इस ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 1500 मीटर, मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन है ना, तो ये हमारा कितना लंबाई है 1500 मीटर, कितना लंबाई बाबू 1500 मीटर। तो देखो यहाँ से ट्रेन चलेगी तो अपने लंबाई को भी चलेगी, चल रही है चल रही, अब यहाँ से चलना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दीजिए, अब प्लेटफॉर्म में गई, प्लेटफॉर्म का ये पूरा पूरा अब यहाँ जब तो कोई पार हो गई नहीं, अपने पूरे लंबाई को पार करेगी तब जाएगी वो दूरी तय करेगी, देखो यहाँ पे ये अब जाके प्लेटफॉर्म क्या भाई पार हो गई, मतलब प्लेटफॉर्म को पार होने के लिए अपने लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, समझा कि नहीं। जैसे प्लेटफॉर्म देखो एक ट्रेन यहाँ पे आ गई है तो 2500 का प्लेटफॉर्म हो गया और ये अपने लंबाई को भी पार करेगी, अपने लंबाई को भी पार करेगी तब जाएगा हम पाएंगे कि हाँ ये प्लेटफॉर्म, देखो अब गाड़ी इसमें ट्रेन पार कर गई, प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर दिए, यहाँ से पार कर गई है नहीं, पार कर गई है नहीं, पार कर गई है नहीं, अब पार कर गई है नहीं, अब पार, अब पार, यानी इसकी लंबाई अपने लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई जब पार करेगी तब हम कहेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई पार हो गई, मतलब क्या दूरी क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे हम, समझ रहे हैं। जैसे फॉर्मूला क्या होता है बाबू, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ना क्या होता है दूरी बटा चाल, तो अब बताओ दूरी क्या होगा, तो दूरी जो है ना ये 2500 ये हो जाएगा और 1500 उसकी जो लंबाइया है वो हो जाएगा, तो 2500 ई और 1500 ई कितना हो जाएगा 4000, लंबाई कितना हो जाएगा 4000, मतलब इसकी दूरी कितना होगी बाबू 4000 मीटर, क्या होगा 4000 मीटर, और ये कितना दिया है 40 दिया है 40 किलोमीटर, क्या दिया बाबू 40 किलोमीटर, देखो ध्यान से मीटर में दिया है, क्या दिया है मीटर में दिया है, इसको हम क्या करते हैं मीटर घंटा में, मतलब एक मीटर में दिया है मीटर में दिया है, इसको हम चेंज करें क्या किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के क्या करेंगे एक हजार से भाग देंगे, सबको नंबर है ना, एक हजार से भाग देंगे, अब बटा में फॉर्मूला क्या होता है जी 4 कर दिया है 40 किलोमीटर, कहते हैं बाबू 40 किलोमीटर दिया है ना, अब हम भाग देंगे 3 0 3 0 कर जाएगा, ये कट जाएगा और वो क्या मिल जाएगा 4/40, अब बढ़ा देंगे इसको 4 नहीं यहाँ कितना 1/10 1/10 यानी ये क्या हुआ 1/10 घंटा हो गया, क्या हो गया ये घंटा, और इसको हम क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे वो इसको मिनट में, ये घंटा हो गया ना, घंटा हो गया और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे 10 × 60 क्या हो गया 100 मिनट, क्या हो गया ये 100 मिनट, सुना क्या।